हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। राइट साइड से ब्रेस्ट फीड कराते वक्त लेफ्ट साइड लीक होना क्या कंपलसरी है? उफ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जवाब हर नई माँ को पता होना चाहिए जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। सी, बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है, जो आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, इन लॉज, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, घर में जो मालिश वाली बाई आती है, वो सब लोग आपको बोलेंगे छाती कड़क होना चाहिए, मतलब बहुत दूध है। छाती गलना चाहिए, मतलब बहुत दूध है। आप लोग राइट से दूध पिलाते हो तभी लेफ्ट साइड लीक होना चाहिए, लेफ्ट से दूध पिलाते हो तभी राइट साइड लीक होना चाहिए। उसी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि आपको दूध बहुत अच्छा है। क्या ये सही है? इट्स अ कंप्लीट मिथ। याद रखो ऑल ऑफ यू, हर ब्रेस्ट का फिजियोलॉजी ये बहुत ज्यादा अलग होता है, हर ब्रेस्ट का स्टोरेज कैपेसिटी अलग होता है, हर ब्रेस्ट का प्रोडक्शन करके स्टोर करने का कैपेसिटी अलग होता है। कई सारे मदर्स जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत ही छोटा है, वो लोग बहुत जल्दी लीक करते हैं। कई सारे मदर्स जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है, वो यूजुअली ज़्यादा ऑफन लीक नहीं करते हैं और उनको हेवी ब्रेस्ट भी फील नहीं होता। आई गॉट इनफ मदर्स जो 5-6 महीने का बच्चा हो गया है और उनको कभी भी हेवी ब्रेस्ट फील नहीं हुआ। कई सारे मदर्स ऐसे जो 3-4 महीने हो गए बच्चे को फीड कराते हैं, बट उन्होंने बोला श्रेया मेरे को पहले एक हफ्ते राइट से फीड कराती थी तभी लेफ्ट लीक होता था, और लेफ्ट से फीड कराती थी तभी राइट लीक होता था, लेकिन उसके बाद तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब क्या मुझे इनफ मिल्क है? ऑल ऑफ यू मम्मास, प्लीज याद रखो, अगर आपके बच्चे का वेट गेन सही जा रहा है, आपका बच्चा मेडिकली माइलस्टोन अच्छे से अचीव कर रहा है, आपका बच्चा एक सो कॉल्ड हेल्दी रेंज में है, तो फिर ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। सी, बार बार ब्रेस्ट भर रहा है कि नहीं चेक करना, कड़क हो रहा है कि नहीं चेक करना, दबा दबा के चेक करना एग्जैक्टली फ्लो कितना ज्यादा अच्छा है, चेक करना कि दूसरा साइड लीक हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें इनफैक्ट वी डू नॉट एडवाइज। द बेस्ट थिंग इज दैट बच्चे को लो ब्रेस्ट के ऊपर लगाओ और बच्चे को फीड करने दो। कई सारी मदर्स को लेट डाउन भी बच्चा मुंह लगाने के बाद ही होता है। लेट डाउन मतलब मिल्क फ्लो स्टार्ट। कई बार मदर्स बोलेंगे कि हाथ से प्रेस करने के बाद दूध निकलता ही नहीं है, तो बच्चा मुंह लगाने के बाद क्या दूध पेट में जाएगा? हम लोग उन मदर्स को भी बोलते हैं गो फॉर एम्प्टी सकलिंग, कि एम्प्टी दूध है तो भी बच्चे को सक करने के लिए लगाओ, लेट डाउन भी हो जाएगा, मिल्क फ्लो भी आ जाएगा और दूध भी बह जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। सो ये कंपलसरी नहीं है। यस, ये कुछ वन ऑफ द क्राइटेरियाज है। अगर माँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि दूध फ्लो कितना है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे मदर्स को ऑब्सेस्ड होते हुए देखा हुआ है, पजेसिव होते हुए देखा हुआ है मिल्क फ्लो कितना है, वो बार बार उठ के चेक करते हैं कि मिल्क फ्लो कितना है। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, 90% ऑफ मदर्स उतना दूध बना लेते हैं जितना उनके बच्चे को चाहिए। स्ट्रेस ब्रेस्ट मिल्क फ्लो का दुश्मन है। आप जितना ब्रेस्ट मिल्क फ्लो को लेके स्ट्रेस करोगे, उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कॉम्प्रोमाइज होते जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है प्रैक्टिकली क्या चीज़ें सही है। बच्चे को ऑफन ब्रेस्ट फीड कराओ, ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, लैच सही होना चाहिए और आपके बच्चे का वेट गेन सही होना चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप जगह पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। माय द्विजा ये वीडियोस बनाता है ताकि हर माँ को और ज्यादा पावरफुल फील हो सके और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।